बन चुकी है। मेरे तरीके से जरूर ट्राई कर देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज है कि हम खीमे से कचौरी बना रहे हैं गेहूँ के आटे की। यह है कि 200 ग्राम खीमा है, 2 कप आटा है गेहूँ का, और आटे में डालने के लिए अजवाइन और नमक आधा चम्मच टेस्ट के हिसाब से लेना है। इसकी टफिंग बनाने के लिए 1 चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच गरम मसाला टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खड़े मसाले जीरा शाहजीरा लौंग दालचीनी हल्दी और कोथमीर। इसको कैसा बनाते हैं देखो। ये आटा पहले गूंथ के तैयार करते हैं। ये आधा चम्मच अजवाइन टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। एक चम्मच तेल डालना है। अच्छे से मिक्स करना है आटे को। ये अच्छे से अजवाइन नमक और तेल डालकर अच्छे से मिला ली है। अब ऐसा बन गया। अब हल्का सा पानी डालकर थोड़ा थोड़ा पानी देकर एक आटा गून लेना है। आटा गूंदने से बता ऐसा आटा लगा के रख दी है ढककर, उसको 10 मिनट रख देना। एक भगोना रखे इसमें 2 चम्मच तेल डालना है। तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने देना है। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें खड़े मसाले डाल देना है। खड़े मसाले लाल हो गए बनने से इसमें 1 चम्मच आधा छोटे चम्मच से 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन लाल होने देना है, कच्चापन खत्म होने तक इसको भूनना है। अदरक लहसुन लाल हो चुका है, अब इसमें ये खीमा डाल देना है मटन का। हमने किसके लिए हमने एकदम टेस्टी बनती मेरे तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करके देखो। खीमे की कचौरी, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच गरम मसाला टेस्ट के हिसाब से नमक, ये सब डालना है। अच्छे से मिक्स करना है। इसका पूरा पानी छोड़ता खीमा वो पूरा सूखे तक उसको अच्छे से भूनना है कड़क। ये अच्छे से भून चुका है, हल्का सा इसमें पानी डालना है 1 कप के करीब करीब छोटे। अच्छे से इसको सुकन लेना है, पकड़ लेना है। दो मिनट ढककर पकाना है। ये 2 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा पानी सूख चुका है हमारा। अब इसमें आधा नींबू का रस डालना है। अच्छे से मिक्स करना है। ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डालना है। हमारा खीमा बन चुका है, अब इसको ठंडा होने के लिए रखना है। ठंडा होने के लिए रखे हमने, अब इस ठंडा हुए वाले से बनाना।
ये 10 मिनट हो चुके हैं हमारे। अब हाथों को थोड़ा तेल लगाना है, आटा नहीं चिपकता है। अपने हिसाब से बनाना है, जितनी बड़ी लगती उतनी बड़ी बनाना है कचौड़ी। मैं रोटी से ज़्यादा बड़ा पेड़ा ले रही है। हाथों से बना के बता रही एक बार। ये टॉपिंग भी ठंडी हो चुकी है हमारे खाने की, अब इसमें डालना है। फिर से बना रहे आप बेल के बनाते हैं। देखो कैसा बना, हल्का से हाथ से बेलना है, ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली, इसके अंदर टफिंग नहीं होना। ये हाथों के पीरस से ऐसा बना है, ये बन चुकी है हमारी कचौड़ी। ये पायली बने हैं, ये बेल के बनाए हैं, ये बोले तो हाथों से बने, हाथों के बनाए। फिर से एक बार हाथों के मदद से बना के बताते हैं कि ऐसा करना है, इसमें टॉपिंग करना है। ये बन चुकी हमारी कचौड़ी। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कर देखो। ये सारे कचौड़ी हमारे तैयार कर दी है हमने ऐसी। ये सारे कचौड़ी हमने तैयार करे हैं, अब इसको तलना है। कैसे तलते देखो। ये तेल गरम हो चुका है हमारा, अब एक एक कर कचौड़ी डालना है। धीमी आंच करना है, धीमी आंच पर अच्छे से फ्राई करना है। मैं दो दाल ली, दो दाल का फ्राई कर रही हूँ। धीमी आंच करना है, धीमी आंच पर फ्राई होने लगे। 10 से 15 मिनट एक तरफ से, 10 से 15 मिनट दूसरी तरफ से पलटाना है। एकदम धीमी आंच पर फ्राई करना है। ये 10 मिनट एक तरफ से हो गए, अब इसको पलटाना है। वाओ, बेहतरीन कलर आ चुका है, एकदम गोल्डन। अब 10 मिनट इसको नीचे तरफ से, मेरे जरूर मेरे तरीके से ट्राई करो, वो बेहतरीन बनता है। एक बार जरूर ट्राई करो। धीमी आंच पर 10 मिनट हो चुके हैं, बेहतरीन तरीके से कचौड़ी का कलर देखो कितना बढ़िया आ चुका है हमारा। अब इसको निकाल लें, आंच पर डालना है। ये बेहतरीन तरीके से बन चुकी है हमारी कचौड़ी, एकदम खस्ता। ये बन चुकी है मटन खीमे की कचौड़ी गेहूं के आटे की, एकदम जायकेदार खस्ती बन चुकी है। एक बार ज़रूर ऐसी ट्राई कर देखो। अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने के लिए दुआओं में याद रखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताओ कि मटन गेहूं के आटे की कचौरी कैसी बनी। ज़रूर ट्राई कर देखो ये, और कमेंट में ज़रूर लिखकर बताओ कि ये कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।